हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फीमेल सॉल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर का रिक्वेस्ट पहले ही आया था बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज आज हम इस चैप्टर को करेंगे और इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में है क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, तो सर्कल के बारे में पढ़ना है और इसके जो इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सर्कल के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं सर्कल क्या होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल कराऊंगी आप लोग को कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल और सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैं अभी पहले आपको बताती हूँ। तो सर्कल इस तरह का होता है एकदम, ठीक है, कोई एक सेंटर होता है जहां से डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे इसे कर्व एरिया को ही हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सर्कल है और ये जो जहां से इसका जो डिस्टेंस है इसके सर्कमफेरेंस के साथ इक्वल होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस। और इस रेडियस को अगर दूसरे छोर पे, ठीक है, सर्कमफेरेंस या परिधि के दूसरे छोर पे अगर मिला दे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है व्यास। हिंदी में व्यास कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो पहले हमने क्या जाना, सेंटर, यहां हो गया सेंटर, सेंटर, उसके बाद रेडियस, उसके बाद डायमीटर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब आर्क क्या होता है, अगर हम किसी को सेंटर मानकर, सेंटर मान लिया हमने और सेंटर मान के हमने एक इस तरह आर्क ड्रॉ किया, पूरा सर्कल ना ड्रॉ करके बस एक आर्क ड्रॉ किया, तो इसे हम आर्क कहते हैं, सर्कल ऑफ आर्क। ठीक है, या हिंदी में इसे चाप कहते हैं, वृत्त चाप। ठीक है, इसे कहते हैं वृत्त चाप। ये सारे जो डिफिनेशन है आपके बुक में प्रोवाइड कराया हुआ है, इसलिए मैं डिफिनेशन नहीं बता रही हूँ, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, ओके। अब आप पेरीमीटर से पहले ही पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, कि पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ। तो वृत्त का जो टोटल लेंथ है, ठीक है, सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है उसे हम कहते हैं ये जो हिस्सा है परिधि, या इसे कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस, इसे हम परिधि या सर्कमफेरेंस या परिसीमा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब आता है कि सेगमेंट्स क्या होता है। ठीक है, देखो अगर वृत्त में जो व्यास होता है या फिर डायमीटर होता है, डायमीटर को छोड़ के जो भी रेखाएं खींची होती है ना, जितनी भी ऐसे खींच लो ऐसे खींच लो, जैसे ये वृत्त है, ये जो दोनों सर्कमफेरेंस को दो बिंदुओं पे कट करती है, टच करती है, तो इस तरह के जो लाइंस होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जीवा। हिंदी में इसे जीवा कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉर्ड्स। तो इसे छोड़ के जो भी होता है इसे हम कहते हैं कॉर्ड, लेकिन उसे छोड़ा क्या जाए, जो रेडियस सॉरी जो डायमीटर होता है वो वृत्त का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। जैसे ये कॉर्ड है, ये डायमीटर, ये हमारा सर्कल है, यहां से ये कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ, जब यहाँ आते हैं तो ये सर्कल को भी कट कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। जब ये सेंटर से पास करता है तो इसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। बट ये सबसे बड़ा कॉर्ड भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमीटर, डायमीटर इज अ लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं, मैं बार बार आप लोग को बता दे रही हूँ कि हिंदी वाले बच्चे के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। और कॉर्ड जो दो भाग में वृत्त को, सर्कल को कॉर्ड दो भाग में बांटता है तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स, सेगमेंट्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट्स। मतलब व्हेन अ कॉर्ड इज डिवाइड सर्कल इन टू पार्ट्स, देन बोथ टू पार्ट्स इज कॉल्ड सेगमेंट्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट्स। और जो मेजर सेगमेंट्स होता है, जो लार्जर पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट्स। ठीक है, मेजर, MAJOR, मेजर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं बड़ा वृतांश। ठीक है, बड़ा वृतांश। और जो छोटा वाला होता है उसे छोटा वृतांश कहते हैं या माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या क्या जान लिया, मेजर सेगमेंट्स एंड माइनर सेगमेंट्स और जान लिया हमने। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेक्टर्स क्या होता है।
जैसे कि मैंने वृत्तचाप बताया या आर्क बताया, उसके अकॉर्डिंग हम सेक्टर को जानेंगे। अगर यहाँ पे कोई सर्कल है जहाँ उसका सेंटर है, तो जो हम आर्क ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा ऐसे आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी हेल्प से इसको जब सेंटर से मिलाएंगे ना, तो जो छोटा सा एक सेक्शन बनता है इसे हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर, या फिर इस तरह हमने यहाँ पे बना लिया, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, इसके सारे डिफिनेशन आपके बुक में है, आप वहां से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेक्टर, हिंदी में इसे कहा जाता है वृत्त कला। ठीक है, जो बड़ा सा हो बचेगा, जैसे ये सेक्टर हुआ, ठीक है ये वाला, लेकिन जो बड़ा हुआ इसे हम कहते हैं बृहत वृत्त कला, और जो छोटा उसे लघु। मतलब कि जो बड़ा है उसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं, और जो छोटा है उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेक्टर भी जान लिया। अब हम मूव करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो होता है जब कोई एक ही सेंटर हो और बहुत सारे सर्कल हो। ये पहला सर्कल, उसके बाद एक दूसरा सर्कल, एक ही सेंटर से रिलेटेड तीसरा सर्कल बना लिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, हम रेडियस को बढ़ा ले रहे हैं। जैसे ही रेडियस को बढ़ाते हैं सर्कल भी बढ़ जाता है। रेडियस को हम जैसे ही कंपास में ज्यादा भरते हैं और ऐसे खींच देते हैं तो बड़ा सर्कल बन जाता है, फिर इससे भी बड़ा। तो सेंटर जब सेम होता है और डिफरेंट सर्कल्स हमें फॉर्म हो जाते हैं, तो इस तरह के सर्कल को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही कहते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तभी ऐसा ही होता था। हिंदी में इसे समकेंद्रिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, और इक्वल या कॉन्कुरेंट सर्कल्स क्या होता है, जब रेडियस इक्वल होता है तो वो इक्वल सर्कल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूरा कर लिया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, थोड़ा सा पिक्चर ऐसा हो गया है, बट अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरी पार्ट समझ में आएगा। तो प्लीज बच्चों आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि पास में ओ केंद्र वाला एक वृत्त का चित्र देखें, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, और बताएं कि कौन कौन से अर्धव्यास पी ए क्यू वृत्त क्षेत्र पर स्थित है। पी ए क्यू पर स्थित है, मतलब कि पी ए क्यू पर स्थित है कौन कौन सा, ये हमें बताना है। इस ड्रॉइंग को मैं अपने पहले इस पे बना लेती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस सी एडजॉइंट फिगर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ एंड राइट द रेडियाई विच इज सिचुएटेड इन द सेगमेंट्स पी ए क्यू। पी ए क्यू सेगमेंट पे जो स्थित है वो रेडियाई हमें लिखना है। तो रेडियाई क्या हो जाएगा, मतलब कि अर्धव्यास सारे लिखने हैं। तो पी ए क्यू है ना, पी ए क्यू जो सेगमेंट है उसमें ओ भी आ रहा है। ठीक है, ओ भी आ रहा है, पी ए क्यू में ओ भी आ रहा है। तो ओ से जितने भी रेडियस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इस सेगमेंट के अंदर स्थित होंगे। ठीक है, तो पहला पहला रेडियस क्या हो जाएगा, पहला रेडियस होगा ओपी। ठीक है, ओपी, ठीक है, ओपी ये वाला। उसके बाद हो जाएगा ओए, ओए, ठीक है, ओए। उसके बाद ओसी, ओसी, एंड उसके बाद होगा ओ क्यू, ओ क्यू। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे आपके रेडियस ऑफ दी पी ए क्यू सेगमेंट्स। तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द पी ए क्यू सेगमेंट्स आर दिस दिस दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का ये सोल्यूशन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं। एक वृत्त में डैश बिंदु होते हैं, एक वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड, या फिर इसे इनफाइनाइट फील करेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, लेके लिखेंगे इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो पहला आंसर क्या हुआ फिल इन द ब्लैंक्स का, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर ये सर्कल है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट होगा। हिंदी वाले बच्चे इनफाइनाइट को या तो इनफाइनाइट लिख दें या फिर अनंत लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसका हिंदी एक बार देख लेना। उसके बाद है द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मतलब कि यहाँ लिखा है वृत्त का सबसे बृहत जीवा कौन सा है। मैंने अभी बताया था कि ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर। ठीक है, मैंने समझाया था कि एग्जाम में आता है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, अगर हम ये सर्कल है तो ये डिफरेंट सारे कॉर्ड्स होते हैं, जो कि कॉर्ड्स का मतलब ही होता है जो सर्कमफेरेंस को
दो पॉइंट पे कट करता है। तो आपका जो ये वृत्त में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, क्योंकि ये भी तो सरकमफेरेंस को दो भागों में, मतलब कि दो पॉइंट्स पे कट करता है। तो सबसे लार्ज तो ये होता है, जैसे ही नीचे आएंगे छोटा होता जाएगा, या ऊपर जाएंगे छोटा होता जाएगा। तो सबसे लार्ज कौन सा होता है? डायमीटर। ओके, अब हम करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है? जीवा वृत्ताकार क्षेत्र को दो डैश में विभक्त करती है, बांटती है। जीवा या कॉर्ड, द कॉर्ड डिवाइड द सर्कुलर रीजन इंटू टू। सर्कुलर रीजन को हमेशा जीवा दो सेक्टर में डिवाइड करता है। दो सेक्टर नहीं होगा, कॉर्ड्स हमेशा सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। सेगमेंट, सॉरी, सेगमेंट्स होगा यहाँ पे आंसर में। ठीक है, हमेशा कॉर्ड दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। सेक्टर तब कहेंगे जब इस तरह का होगा, एक ये हिस्सा निकल गया या ये पूरा हिस्सा निकल गया, तो इसे हम सेगमेंट कहेंगे, सॉरी सेक्टर कहेंगे। तो ये सेक्टर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जीवा की बात हो रही है, कॉर्ड की बात हो रही है। तो कॉर्ड हमेशा टू पार्ट्स में, टू सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेगमेंट्स। ओके, अब फोर्थ नंबर है। सेगमेंट्स को आप हिंदी में अपने हिंदी वाले बुक में देख सकते हैं, सेगमेंट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में है, ऑल डायमीटर्स ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू। सारे डायमीटर जो होते हैं वो कहाँ से पास करते हैं? ठीक है, वृत्त के सभी व्यास कहाँ से पास करते हैं? व्यास है तो ऑब्वियसली वो सेंटर से ही पास करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर। ठीक है, फोर्थ नंबर का। अब है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या है? दो वृत्तांश समान होने से इनके वृत्त दोनों चाप की लंबाई कितना होगा? मतलब कि टू सेगमेंट्स आर इक्वल देन देयर आर्क्स आर डैश इन लेंथ। दो सेगमेंट्स अगर इक्वल होगा तो इनका जो आर्क होगा उसका लेंथ क्या होगा? जब दो सेगमेंट्स इक्वल हो रहा है, ये सेगमेंट इक्वल है, ये सेगमेंट इक्वल है, इसका मतलब ये जो आर्क है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये भी तो इक्वल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा इक्वल। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में क्या है? एक वृत्ताकार क्षेत्र का वृत्त चाप एवं दोनों डैश द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र होता है। वृत्त क्षेत्र का वृत्तचाप दोनों डैश द्वारा सीमाबद्ध होता है, मतलब कि द सेक्टर ऑफ द सर्कुलर रीजन इज द रीजन इनक्लोज बाय द आर्क एंड द टू डैश सेक्टर एंड सर्कुलर रीजन रीजन इनक्लोज बाय द आर्क। तो टू रेडियाई से जो सेक्टर होता है, सेक्टर होता है उसमें हमेशा दो रेडियाई, मतलब दो रेडियस का यूज होता है। तो दो अर्धव्यास होगा आंसर। ठीक है, हिंदी में दो अर्धव्यास, इंग्लिश में लिखेंगे टू रेडियाई। जब भी सेक्टर बनाते हैं तो उसमें दो रेडियस जरूर यूज होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? टू रेडियाई। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? सेवन नंबर, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड द सेंटर इज डैश द लेंथ ऑफ रेडियस। एक बार और मैं हिंदी में बता रही हूँ। वृत्त के बाहर किसी बिंदु व केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंडों की लंबाई वृत्त अर्धव्यास से डैश होती है। हमेशा क्या होती है? ग्रेटर होगा। सेवन का आंसर हो गया ग्रेटर या अधिक, ग्रेटर। ठीक है, अगर वृत्त के बाहर कोई एक पॉइंट है तो यहाँ से इसकी जो लंबाई होगी और यहाँ से अर्धव्यास की लंबाई होगी, अर्धव्यास हमेशा छोटा होगा और ये जो बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो हमेशा बड़ा होगा, तो ग्रेटर होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ग्रेटर फिल करना है, क्योंकि हमेशा अर्धव्यास या रेडियस छोटा ही होगा बाहर वाले से। ठीक है, तो आंसर हो गया ग्रेटर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्केल, पेंसिल और कंपास की सहायता से एक वृत्त बनाए और केंद्र, जीवा, व्यास, अर्धव्यास, लघु चाप और बृहद चाप दिखाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि स्केल और कंपास की सहायता से एक आपको वृत्त ड्रॉ कर लेना है, सर्कल बना लेना है, और उसमें क्या बनना है? सबसे पहले बताना है सेंटर। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ओ, तो लिख देंगे ओ इज सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है? कॉर्ड बताना है, तो कॉर्ड कोई भी आप ड्रॉ कर लो। यहाँ पे हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, सी और डी नाम दे दिया, लिखेंगे सी डी इज कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं। उसके बाद डायमीटर बताना है, तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे? डायमीटर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर से होते हुए, और इसका नाम दे देते हैं ए बी, तो डायमीटर लिख देंगे ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है? रेडियस।
तो रेडियस बताने के लिए क्या करेंगे, रेडियस क्या है, ओए या ओबी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई और एक रेडियस ड्रॉ कर लो, ओई नाम दे दो, तो हमने दे दिया ओई। कोई एक रेडियस बताना था, ठीक है, उसके बाद बताना है माइनर आर्क, या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क को लघु चाप, ठीक है, माइनर माइनर आर्क ये हमें बताना है। तो माइनर आर्क बताने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ एक्स दे देंगे नाम और यहाँ दे देंगे वाई, ठीक है। तो माइनर आर्क जो हुआ ये छोटा सा आर्क, तो इसे हम कहेंगे एक्स वाई। एंड उसके बाद कह रहा है मेजर आर्क, मेजर आर्क जो हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ एक नाम दे देंगे पी, तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, मेजर आर्क क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई, ठीक है। ये आर्क यहां से यहां तक आता है, मतलब कि ये आर्क ऐसा जा रहा है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ पे पी है, एक्स पी वाई इज द मेजर आर्क। बस यही क्वेश्चंस आपको बताने थे, और इस तरह अगर एग्जाम में आता है 1-2 मार्क्स में अगर, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट अस राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है कि द सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब होता है जो जिसमें डायमेंशन 2 डायमेंशनल होता है, उसे प्लेन फिगर कहा जाता है। जिसे हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसे प्लेन फिगर कहा जाता है। इसका मतलब कि नंबर 1 क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है कि दिस सेगमेंट इज अ प्लेन फिगर। ऑब्वियसली जब ये प्लेन फिगर है तो इसके 2 सेगमेंट्स कर दे, तो ये भी प्लेन फिगर ही होगा, ये भी ट्रू। थर्ड नंबर है कि दिस सेक्टर इज अ प्लेन फिगर। क्या सेक्टर मतलब कि वृत्तांश एक समतलिक क्षेत्र है, तो सेक्टर इसका भी इस तरह भाग कर दे, तो ये भी ट्रू ही होगा, ये भी एक प्लेन फिगर है, जिसे हम कॉपी पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे प्लेन फिगर्स होते हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर है द कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड, फोर्थ नंबर क्या है, द कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। अगर ये सर्कल है, पेन खत्म हो गया मेरा, मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है तो क्या कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, ये कॉर्ड है तो ये लाइन सेगमेंट ही तो है, तो ये हो गया ट्रू। अब हम करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या है, दी आर्क इज अ लाइन सेगमेंट। तो आर्क कभी भी लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता, आर्क इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सर्कुलर रीजन होता है, सर्कुलर फिगर होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सिक्स नंबर में क्या है, सिक्स नंबर में है देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड्स इन द सेम लेंथ इन अ सर्कल। क्या यहाँ पे फाइनाइट नंबर, इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सिक्स नंबर, किसी वृत्त में सीमित संख्यक संख्यक समान लंबाई की जीवाएं होती हैं, तो यहाँ पे असीमित होती हैं, बहुत सारी जीवाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे सीमित दिया हुआ है, फाइनाइट दिया हुआ है, तो नहीं, ये इनफाइनाइट होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि बहुत सारी जीवा हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है, बहुत सारे, तो इसे हम असंख्य हो सकते हैं ये, तो इसलिए यहाँ हमने क्या लगा दिया, फॉल्स। ओके, अब है 7 नंबर क्वेश्चन कि दी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग अ फिक्स्ड पॉइंट एज इट्स सेंटर। ठीक है, एक सेंटर से क्या हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, एक सेंटर से हम कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तभी तो हम इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर फॉल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ ऑफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्करेंट सर्कल आर इक्वल। ठीक है, दो सर्वांगसम वृत्तों के अर्धव्यास समान होते हैं क्या, तो ये हो गया ट्रू, क्योंकि दो कॉन्करेंट सर्कल जो होते हैं उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। कंकरेंट का मतलब है सर्वांगसम, मतलब कि सभी अंगों से समान, इसका मतलब उसका रेडियस ऑब्वियसली इक्वल होगा, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इसी के साथ हमने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसमें से 2-4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए ध्यान से, और होपफुली आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 3.1, और साथ ही में मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों, अपने फ्रेंड सर्कल्स में और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक्सप्लोर करने का चांस मिले। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।